जिला प्रशासन कांगड़ा को पर्यटन नगरी धर्मशाला के पर्यटन स्थलों पर घूमने गए कई पर्यटकों के फंसने की जानकारी मिली है, जिसको मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन की ओर से उन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है और उन्हें मौका स्थल पर रवाना भी कर दिया गया है। दरअसल आज सुबह कुछ स्थानीय लोगों की ओर से हिमपात वाली जगह पर खड़े होकर जिलाधीश राकेश प्रजापति के नाम उनसे गुहार लगाते हुए का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में युवा खुद को शाहपुर के करेरी गांव के निवासी बता रहे थे और उसमें उन्होंने जिलाधीश राकेश प्रजापति से फरियाद लगाई है कि करेरी गांव के करीब 14 किलोमीटर ऊपर पर्यटन स्थल पर करेरी लेक में करीब 70 से 80 लोगों का ग्रुप बतौर सैलानी बनकर गया हुआ था, जहां पहले से ही 4 से 5 फीट बर्फ जमी हुई थी, मगर आज रात को भारी हिमपात होने के कारण अब वहां अनुमानित 9 से 10 फीट बर्फबारी हुई होगी। ऐसे में टेंट में रात काटने वाले वो सैलानी किन हालातों में रहे होंगे, ये बात सोचकर वे बहुत घबराए हुए हैं और उन लोगों का जल्द से जल्द रेस्क्यू करना बेहद जरूरी है। इस वायरल वीडियो को जब जिलाधीश राकेश प्रजापति के ध्यान में लाया गया तो उन्होंने तुरंत इस पर एक्शन लेने और रेस्क्यू टीम को भेजने की बात कही है और साथ ही स्थानीय लोगों से संपर्क कर इस हिमपात वाली जगह में कितने लोग फंसे होंगे ये जानकारी भी हासिल की जा रही है। दरअसल करेरी जाने वाले लोगों की प्रशासनिक स्तर पर किसी भी प्रकार की एंट्री नहीं होती, यही वजह है कि भारी हिमपात में फंसे ये लोग कौन हैं और कहां से ताल्लुक रखते हैं ये जानकारी मिल पाना फिलहाल सबके लिए बेहद पेचीदगी भरा वाक्य बन चुका है। फिर भी स्थानीय लोगों की माने तो इनमें से ज्यादातर लोग दिल्ली जबकि हिमाचल समेत बाकी राज्यों के भी शामिल हैं। कांगड़ा के पुलिस अधीक्षक विमुक्त रंजन ने फोन पर जानकारी देते हुए बताया कि मौके वाली जगह पर टीम रवाना कर दी गई है, वहां जाकर ही ये जानकारी मिल पाएगी कि ये लोग कहां के रहने वाले हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टीम जिला मुख्यालय धर्मशाला से रवाना हो चुकी है। काबिले गौर है कि आज की तारीख में करेरी गांव शाहपुर का उभरता हुआ सबसे बड़ा पर्यटन स्थल बन चुका है। यहां हर सीजन में हर साल हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंचने लगे हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए सरकार और प्रशासन की ओर से भी यहां पर्यटन विभाग के आयामों को स्थापित किया जाने लगा है, जिससे करेरी धार में एक सराय भी बनाई गई है। दरअसल ये जो लोग करेरी धार में फंसे हुए हैं, वो भी उस सराय में ही शरण लिए हुए हो सकते हैं और ये सराय करेरी गाँव से करीब 1 किलोमीटर ऊपर बताई जा रही है। नमस्कार जी, मैं रवि कुमार, करेरी का स्थायी निवासी, और मैं प्रशासन से ये विनती करता हूँ कि आप माननीय श्री राकेश प्रजापति जी से भी विनती करना चाहता हूँ कि कल शाम को 6 बजे तक मौसम जो था यहाँ पे बिल्कुल ही अच्छा था और इसी के चलते कुछ पर्यटक की जो कि करेरी के लिए प्रस्थान किया हुआ है और इनकी संख्या कम से कम 60 से 80 के बीच में है, और अतः हम ये प्रशासन से विनती तथा प्रार्थना करना चाहते हैं कि उनकी जान जो